हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई। जैसा कि आप बिल्डिंग मटेरियल के पिछले दो लेक्चर्स पढ़ चुके हैं बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड, उसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया था। सभी क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो थी, जो बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ बचे हुए थे टेस्ट से रिलेटेड और बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड, तो उनको आज हम कवर करने के लिए आए हैं। और ये वन लाइनर सॉल्यूशंस का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बिल्डिंग स्टोन से रिलेटेड सभी वन लाइनर्स को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आगे और क्या क्या मिलता है हम लोगों को। तो चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट्स के आया हुआ है हमारा पॉइंट्स, और ये हमारा पहला पॉइंट है, क्वार्ट्ज, अब्रक, फेल्सपैट, डोलोमाइट तथा कैल्साइट इत्यादि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वार्ट्ज, अभ्रक, फेल्सपैट, डोलोमाइट तथा कैल्साइट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये सब एक खनिज हैं। इन खनिजों के ही जरिए चट्टानों का निर्माण होता है, किसी भी रॉक्स का निर्माण उनमें उपस्थित खनिजों के कारण ही होता है। और हमारे ये क्वार्ट्ज, अभ्रक यानी माइका, फेल्सपैट और डोलोमाइट तथा कैल्साइट, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट खनिज हैं। इन्हीं के माध्यमों से चट्टानों का निर्माण होता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप की चट्टान हो, किसी भी प्रकार की चट्टान हो, इन्हीं खनिजों के जरिए इन चट्टानों का निर्माण होता है प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट इत्यादि चट्टाने आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप और डोलोमाइट चट्टाने, ये सब आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स, जिन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, इनके अंदर तीन टाइप्स के, इनको डिवाइड किया गया है, तीन तरीके से डिवाइड किया गया, प्लूटोनिक, वॉल्केनिक और हाइपाबेसल। इन सबको मिलाकर जो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये चट्टाने ही ये इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानों के अंदर आती हैं। पहला है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट और ये सब चट्टाने जो हैं हमारे आग्नेय चट्टाने यानी इग्नियस रॉक्स के अंदर आती हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा कह रहा है, बेसाल्ट व ट्रैप चट्टाने अरवेदार तथा अस्तरित होती हैं। बेसाल्ट और ट्रैप चट्टाने, पहली बात तो ये इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टाने हैं, और मैंने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टाने हमेशा अस्तरित होती हैं, उनके अंदर परतें नहीं पाई जाती, वो परतों में नहीं मिलती हैं। उन्हें जब हम सेक्शन करते हैं तो हमें कोई भी परत नहीं दिखाई देती है, ये अपरत होती है, यानी अस्तरित होती है, अनस्ट्रेटिफाइड जिसको कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड होती है, अस्तरित, और ये अरवेदार होती हैं। तो ये बेसाल्ट व ट्रैप चट्टाने अरवेदार तथा अस्तरित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, आग्नेय चट्टानों को अस्तरित चट्टाने कहा जाता है। देखा, मैंने आपसे अभी नेक्स्ट पिछले ही पॉइंट में बताया कि जो आग्नेय चट्टाने होती हैं यानी इग्नियस रॉक्स होती हैं, वो हमेशा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं, यानी अस्तरित चट्टाने होती हैं। तो वही इस पॉइंट में कहा गया कि आग्नेय चट्टानों को अस्तरित चट्टाने भी कहा जाता है, आप आग्नेय चट्टानों को अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटराइट, सेल, लिग्नाइट इत्यादि तलछटी चट्टानों यानी सेडिमेंटरी रॉक से प्राप्त होते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स, रॉक्स का जो टाइप, सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, वो है हमारा बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, जिप्सम, लैटराइट और शेल। ये सब जो चट्टानें हैं वो हमारी सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर आती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जिप्सम, लैटराइट, शैल, लिग्नाइट इत्यादि, ये सब सारी चट्टानें जो हैं ये हमारी जो हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर आती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है कि नीज पत्थर कायंत्रित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। नीज पत्थर कायंत्रित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, कैसे, जो ग्रेनाइट के रूपांतरण के दौरान बनता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रेनाइट जो चट्टान है यानी ग्रेनाइट चट्टान जो कि इग्नियस रॉक है, जब ये परिवर्तित होती है, जब इसका परिवर्तन होता है मेटामॉर्फिक के रूप में, तब ये नीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था नीज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, नीज के रूप में ये चट्टान कन्वर्ट हो जाती है यानी ग्रेनाइट चट्टान। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है, चूना पत्थर जो
तलछटी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक है, कैंतरण के दौरान संगमरमर पत्थर में रूपांतरित हो जाती है, जो हमारी लाइमस्टोन होती है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, और जब इसका मेटामॉर्फिक प्रोसेस के दौरान जब इसका परिवर्तन होता है, जब इसका कायांतरण होता है, जब इसके चेंजेस आते हैं, तो ये संगमरमर पत्थर में परिवर्तित हो जाती है, यानी मार्बल में ये परिवर्तित हो जाती है। चूना पत्थर कन्वर्ट होकर मार्बल बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमको मिल रहा है वो है बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, जो कायांतरण के दौरान क्वार्टजाइट में बदल जाता है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन जब कन्वर्ट होता है तो ये चेंज हो जाता है क्वार्टजाइट में। सैंडस्टोन कन्वर्ट होकर क्वार्टजाइट में हो जाता है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल जब भी सैंडस्टोन का जिक्र हो, आप तुरंत आपके दिमाग में ब्लिंक कर देना चाहिए कि सैंडस्टोन जब कन्वर्ट होता है तो वो क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है मेटामॉर्फिक क्रिया के दौरान। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये कहता है कि शैल पत्थर जो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो शैल पत्थर होता है ये एक सेडिमेंटरी रॉक है यानी अवसादी चट्टान है, ये कायंत्रण के दौरान स्लेट का रूप धारण कर लेता है। शैल पत्थर जब कन्वर्ट होता है तो ये स्लेट पत्थर बन जाता है। जब शैल पत्थर मेटामॉर्फिक क्रिया के दौरान परिवर्तित होता है तो इसे स्लेट के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल याद रखिए। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट इत्यादि इस तरह चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और स्लेट, ये सारी जो है, ये पहली बात तो ये सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, और ये सेडिमेंटरी रॉक्स हैं तो ये होंगी स्ट्रेटिफाइड चट्टानें। अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं इग्नियस रॉक्स, स्ट्रेटिफाइड होती हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स जो होती हैं ये इस तरह चट्टान होती हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड चट्टानें होती हैं। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टानें रवेदार चट्टान होती हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट जो चट्टानें होती हैं ये रवेदार चट्टानें होती हैं, यानी क्रिस्टलाइन रॉक। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल के आकार में इनके जो रवे इसके कड़ होते हैं वो क्रिस्टल आकार में होते हैं, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। इनको क्रिस्टलाइन रॉक्स के अंदर रखा जाता है। किनको? ग्रेनाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट इत्यादि चट्टानों को रवेदार चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है, स्लेट लैटराइट इत्यादि पत्थर मृत्तिकामय चट्टानों के अंदर आते हैं। स्लेट, लैटराइट और कुछ और पत्थर जो मृत्तिकामय चट्टानों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चट्टी का प्रयोग किया जाता रहा है। रॉक्स की जब महीन तुड़ाई करनी होती है तब हम गुलिका चक्की का प्रयोग करते हैं। इस गुलिका चक्की को बिल्कुल याद रखें, पत्थरों की महीन तुड़ाई के लिए गुलिका चक्की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पत्थरों के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने वाले को पत्थर का उपचार या संशोधन कहते हैं, सीजनिंग। इसको हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सीजनिंग। सीजनिंग क्या होता है? पत्थरों के जो क्वेरी सैप होता है यानी पत्थर रस जिसको कहते हैं, इसको सुखाने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमने बताया था 6 से 12 महीने तक के लिए पत्थरों को छोड़ दिया जाता है खुली हवा में, इसी को सीजनिंग कहते हैं। पत्थर रस को सूखने के लिए जो टाइम दिया जाता है उसे 6 से 12 महीने तक का रखा जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 6 से 12 महीने तक का टाइम लिया जाता है। इसे ही पत्थर का संशोषण या सीजनिंग ऑफ रॉक्स के नाम से जाना जाता है। छायादार स्थान पर इसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, इसे पत्थर का संशोषण या सीजनिंग ऑफ रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दीवारों के कोनों पर कोनिया प्रयोग किया जाता है। कोनिया पत्थर दीवारों के कोनों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खंड की पत्थर दीवार की फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। खंडकी पत्थर वो दीवारों की फलक पर, दीवारों के फेस पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। स्ट्रेचर
स्ट्रेचर के रूप में इस पत्थर का प्रयोग किया जाता है। खंडकी पत्थर, खंडकी पत्थर का नाम याद रखें, खंडकी पत्थर दीवार की फलक पर स्ट्रेचर के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, अच्छी इमारती पत्थर की संतुलन सामर्थ्य 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। कुछ इमारती पत्थर की जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, वो मैं आपको तीन स्टैंडर्ड वैल्यूज बता रहा हूँ, इनको आपको बिल्कुल याद रखना होगा। पहला होगा ये जो पॉइंट कह रहा है संतुलन सामर्थ्य, तो संतुलन सामर्थ्य होती है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है स्टैंडर्ड वैल्यू। दूसरी इसका विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है डेंसिटी, वो आपको दिखा 2.7, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2.7 स्पेसिफिक डेंसिटी होती है किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी अच्छे पत्थर के लिए, जो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है वो 2.7 से अधिक होनी चाहिए। 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसकी संतुलन सामर्थ्य है वो इससे अधिक होनी चाहिए, और इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो है पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए संतुलन सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है। पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य यानी जो पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य जब ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को कहते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट या संतुलन सामर्थ्य परीक्षण, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो पत्थर की संतुलन सामर्थ्य यानी संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है स्लेटी तथा संगमरमर पत्थर विद्युत के कुचालक होते हैं। स्लेटी या संगमरमर पत्थर, स्लेटी और संगमरमर पत्थर ये जो दोनों होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं, मृत्तिकामय पत्थर अग्नि के अच्छे अवरोधक होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, पत्थर को अपने भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, 5%, 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हम किसी बिल्डिंग स्टोन को यानी इमारती पत्थर को एक दिन यानी 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं तो इसके भार में जो इंक्रीमेंट होता है, जो भार बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जब पत्थर पानी के अंदर 24 घंटे रहेगा उसके भार में कुछ वृद्धि होगी, तो जो वो वृद्धि होगी उसके पानी में भिगोए जाने से पहले पत्थर के भार का 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। तो ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है, जलीय संरचनाओं मतलब जो वाटर स्ट्रक्चर होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं जैसे पुल वगैरह, तो जलीय संरचनाओं पुल, प्रस्थम्भ, प्रतिधारक दीवार रिटेनिंग वॉल्स, प्रकाश स्तंभ, बांध, डैम यानी गोदी कार्य के लिए ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट, नीस पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि जलीय संरचनाओं यानी पुल, प्रस्थम्भ, रिटेनिंग वॉल्स, प्रकाश स्तंभ या और डैम्स के लिए कौन से पत्थर प्रयोग किए जाते हैं, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नीस पत्थर। ये तीन तरह के जो ये पत्थर हैं, तीन टाइप के, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, ये जो पत्थर हैं ये जलीय कार्यों में सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं जैसे पुल, प्रस्थम, रिटेनिंग वॉल्स और डैम्स बनाने में। ये नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने है, इसमें स्लाइड में कुछ कार्य दिए गए हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं और उनके लिए यूज़ होने वाले पत्थरों के नाम दिए गए हैं। तो हम अगर बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो पहले पॉइंट में कहा गया है सामान्य भवन निर्माण कार्य तथा दीवारों के लिए, सामान्य भवन निर्माण कार्य तथा दीवारों के लिए किस पत्थर का यूज़ किया जाता है, तो वो है बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन। सैंड स्टोन का यूज़ सामान्य भवन या नॉर्म जनरली जो भवन निर्माण में दीवारों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बलुआ पत्थर का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो बिल्डिंग वर्क दिया हुआ है वो है सजावटी भागों तथा वास्तुकला के लिए। तो सजावटी भागों के लिए जो ऑर्नामेंटल वर्क्स होते हैं इनके लिए हम कौन सा पत्थर यूज़ करते हैं, तो वो है संगमरमर, ये आप बिल्कुल जानते हैं। और दूसरा सूक्ष्म कण वाला बलुआ पत्थर, जो
जो सूक्ष्म कण वाले सैंडस्टोन होते हैं उनका भी यूज़ हम सजावटी भागों तथा वास्तुकला के लिए कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है फर्शों के लिए, फर्शों के लिए किस प्रकार के पत्थर का यूज़ किया जाता है, तो फर्शों के लिए बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ किया जाता है। बलुआ पत्थर तथा संगमरमर का यूज फर्शों के लिए किया जाता है, फ्लोर्स को बनाने में बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज़ किया जा सकता है। छतों के लिए, रूफ्स के लिए, छतों के लिए अगर हम बात करते हैं तो छतों के लिए कौन कौन से पत्थर हम प्रयोग कर सकते हैं, स्लेट, बलुआ पत्थर और हॉर्न ब्लेंड पत्थरों का यूज़ हम छतों को बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्क दिया हुआ है वो जलीय संरचनाओं के लिए, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि जलीय संरचनाओं के लिए हमने किन किन का नाम लिया था, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट। तो यहाँ पर देखिए जलीय संरचनाओं के लिए ग्रेनाइट, ट्रैप और बेसाल्ट का नाम दिया है और साथ ही में नाइस और सूक्ष्म कणों वाला बलुआ पत्थर। सूक्ष्म कणों वाला जो सैंडस्टोन होता है उसका भी प्रयोग हम जलीय संरचनाओं के लिए कर सकते हैं। ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, नाइस और सूक्ष्म कणों वाला बलुआ पत्थर, इनका यूज़ हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स यानी जलीय संरचनाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। छठा ऑप्शन जो हमारा छठा वर्ग जो दिया हुआ है वो है सड़क कार्य के लिए। तो सड़क कार्य यानी रोड वर्क्स के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन में हम किन पत्थरों का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट और उसके बाद क्वार्टजाइट। इन तीन पत्थरों का प्रयोग हम सड़क कार्य के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया दिया है कि ग्रेनाइट से ही हमारी ब्रिक बैलास्ट तैयार होती है। जो ब्रिक बैलास्ट रोडों पर जो पत्थर प्रयोग किए जाते हैं रोड बनाने में, वो ग्रेनाइट से ही तैयार किए जाते हैं और ब्रिक बैलास्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क दिया हुआ है रेल मार्ग की गिट्टी के लिए, जो हमारे रेलवे लाइंस की गिट्टी के लिए कौन से पत्थर यूज़ किए जाते हैं, तो वो पत्थरों के नाम कुछ दिए हुए हैं, ब्रेव, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट। ये सब पत्थरों का प्रयोग रेलवे लाइंस में गिट्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन की, तो वो है बिजली के स्विच बोर्ड। बिजली के स्विच बोर्ड जो बनाने के लिए संगमरमर और स्लेट का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नाइन्थ जो दिया हुआ है वर्क वो है सीमेंट तथा चूना उत्पादन के लिए। तो सीमेंट और चूना उत्पादन के लिए तो सीधी सी बात है चूना पत्थर और कंकड़ पत्थर का ही यूज़ किया जाएगा। तो एकदम ये नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, सीमेंट तथा चूना उत्पादन के लिए चूना पत्थर और कंकड़ पत्थर का यूज़ किया जाता है। टेंथ जो पॉइंट दिया हुआ है कंक्रीट बनाने के लिए, तो कंक्रीट बनाने के लिए हम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ब्रेव और लैटराइट पत्थरों का यूज़ ही हम कंक्रीट बनाने के लिए कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ परीक्षण दिए हुए हैं, यानी जो स्टोन पे टेस्ट किए जाते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं। इनको आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये टेस्ट कौन कौन से हैं और ये टेस्ट किस चीज़ के लिए किए जाते हैं, क्या क्या परीक्षण करने के लिए ये किए जाते हैं। तो जैसा कि ऊपर लिखा है इंजीनियरिंग कार्यों, जलीय संरचनाओं, भवनों तथा सड़क कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थरों की जांच परख आवश्यक है। यह जांच प्रयोगशाला में की जाती है। तो ये प्रयोगशाला में किए जाने वाले ये टेस्ट हैं इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। इनको आप बिल्कुल पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है पहला टेस्ट। तो पहला टेस्ट जो हमारे पास है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण या परीक्षण इकाई भार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यूनिट वेट ऑफ स्टोन ज्ञात करने के लिए विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण किया जाता है। तो पहला टेस्ट हमारा ये है विशिष्ट गुरुत्व परीक्षण, ये यूनिट वेट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूसरा है हमारा टेस्ट जल अवशोषण परीक्षण, जल अवशोषण परीक्षण ज्ञात करने के लिए यह किया जाता है। रंध्रों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि पत्थर में जितने रंध्र हैं उनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने, यानी परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करने के लिए जल अवशोषण परीक्षण किया जाता है कि आखिर जैसे अभी 5% वैल्यू जो हमने बताई थी आपको, 5% से ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए, तो ये वैल्यू कहाँ से निकल आई, ये जल अवशोषण परीक्षण से ही निकल कर आई है ये स्टैंडर्ड वैल्यू। नेक्स्ट जो टेस्ट हमारे पास है चिरस्थायी परीक्षण, टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए ये चिरस्थायी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है कठोरता परीक्षण, हार्डनेस टेस्ट, कठोरता परीक्षण ज्ञात करने के लिए, कठोरता ज्ञात करने के लिए परीक्षण किया जाता है। ये हार्डनेस ऑफ स्टोन ज्ञात करने के लिए कठोरता परीक्षण किया जाता है।
अपघर्षण परीक्षण, अपघर्षण परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और जो रोड पर, जिस रोड पर गिट्टी का यूज़ किया जाता है बनाने में, उसमें जो घिसने के कारण उनमें जो टूट फूट होती है उसकी दर ज्ञात करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है अपघर्षण परीक्षण। तो घिसन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है अपघर्षण परीक्षण। जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट है वो समघात परीक्षण है, और ये चीमरपण ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सन्निघर्षण परीक्षण, सन्निघर्षण परीक्षण घिसन तथा चीमर दोनों को ज्ञात करने के लिए सन्निघर्षण परीक्षण किया जाता है। और नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास जो है वो संदलन सामर्थ्य परीक्षण, पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। संपीड़न सामर्थ्य, पत्थर की संपीड़न कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम संदलन सामर्थ्य परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है स्मिथ परीक्षण, तो स्मिथ परीक्षण दो चीज़ों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो पहली चीज़ होती है पत्थर पर कीचड़ की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, मडी सब्सटेंस का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए स्मिथ परीक्षण किया जाता है। और स्मिथ परीक्षण का यूज़ एक और चीज़ ज्ञात करने के लिए किया जाता है, वो है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए भी हम स्मिथ परीक्षण का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट दिया हुआ है बंधन परीक्षण, बंधन परीक्षण क्यों किया जाता है, तो बंधन परीक्षण कणों का आपसी बंधन ज्ञात करने के लिए, जो पत्थर या चट्टानों के बीच के कणों जो हैं उनके कणों के बंधन को ज्ञात करने के लिए बंधन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास है वो अम्लीय परीक्षण, अम्लीय गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए, किसी पत्थर पर एसिडिक गैसेस का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके कारण उनमें क्या बदलाव आते हैं, ये सब ज्ञात करने के लिए अम्लीय परीक्षण किया जाता है। तो अम्लीय परीक्षण किस लिए किया जाता है, अम्लीय गैसों का प्रभाव ज्ञात करने के लिए। तो दोस्तों हमने आज देखे स्टोन से कुछ जो पॉइंट्स हमसे पिछले लेक्चर्स में रह गए थे, उन पॉइंट्स को आज हमने कवर किया है। ये स्टोन से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टेस्ट आप इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें, और इन जितने भी जो टॉपिक्स दिए गए हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर दो से चार बार जरूर पढ़ें, ताकि ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। खासकर जो बिल्डिंग स्टोन्स पे किए जाने वाले टेस्ट हैं, ये टेस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इन टेस्ट में इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें होती हैं कि ये टेस्ट कौन कौन से हैं, और ये कौन से टेस्ट किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और किस इस टेस्ट को करने के लिए किस उपकरण या किस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे नए लेक्चर्स जो हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत आपको पता चल जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई हैं, आप बिल्कुल वहाँ पर जाके हमें कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज या कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।